नमस्ते, इंडिया की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं आटे और गुड़ के मालपुए, जो बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्टी भी लगते हैं, और श्री जगन्नाथ भगवान को उनका भोग भी लगाया जाता है रथ यात्रा के दिन। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक बर्तन में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख देना है। अब जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे एक कटोरी गुड़। तो यहाँ पर हमने गुड़ को फोड़ लिया था और इस कटोरी के नाप से हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देना है पानी में, और गुड़ की हमें चाशनी वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना है। बस जैसे ही इसमें गुड़ घुल जाएगा अच्छे से और गैस को हम बंद कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है पानी में, और बस हम गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। और अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसके पुए बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छे से ठंडा हो जाता है। और जिस कटोरी के नाप से हमने गुड़ नापा था, उसी कटोरी से हम आटा लेंगे दो कटोरी। तो यहाँ पर हमने दो कटोरी आटा ले लिया है, और इसके बाद इसमें हम गुड़ वाला पानी इस तरीके से छानते हुए डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहती हैं, तो वो अच्छे से निकालते हुए हम डालेंगे इसमें छान के। तो पानी इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम सारा नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमने पूरा पानी इसमें गुड़ का डाल दिया है, और इसके बाद अगर इसमें थोड़ा और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिंपल पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो, अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा घोल भी लगभग रेडी है, और केवल 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे, और 2-3 मिनट बाद इसको हम थोड़ा सा और चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो इसमें लगभग एक गिलास पानी गुड़ वाला लगा है, और एक कटोरी हम सिंपल पानी इसमें यूज़ कर चुके हैं, और घोल हमारा रेडी है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे सूखा हुआ नारियल जो हमने कद्दूकस कर लिया था, तो 4 चम्मच इसमें हम डालेंगे। इसके अलावा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं बारीक कटे हुए, जो भी आप इसमें डालना चाहें। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सौंफ, तो ये बारीक वाली सौंफ है, 1 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बहुत ही ज़रूरी इन्ग्रीडियंट जो कि है सौंठ, इससे इसके बिना तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी ये थोड़ा सा और गाढ़ा दिख रहा था, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छे से आप इसको फेंटेंगे उतने अच्छे सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे हमारे पुए। तो ये बैटर अब हमारा रेडी है, और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दिया है, उसमें हम तेल गरम करेंगे, और आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं मालपुए। और इस तरीके से एक कड़छी भर के बीच में हम बैटर को डाल देंगे, और दोनों साइड हम अच्छे से सेक लेंगे इनको। तो ये अच्छे से सिक चुका है, निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो बिल्कुल हम बीच में इस तरीके से एक बार में डाल देंगे, फैलाते हुए बिल्कुल नहीं डालेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और अपना आप ये सिक के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया फूला है। इस तरीके से हम दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। तो ये भी अच्छे से सिक चुका है, और हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे स्वादिष्ट मालपुए बन के तैयार हो चुके हैं, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो आप भी ये ज़रूर बना के देखिए, और यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।